बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हम उसमें करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। जिस तरह हम बॉन्ड्स पढ़े हैं केमिकल बॉन्ड, हमें अल्लाह से भी अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कनेक्ट टू अल्लाह, बिकॉज दिस लाइन इज नेवर बिजी। ये लाइन कभी बिजी नहीं होती, ऑलवेज आंसर्ड, हमेशा जवाब मिलता है। नो हैंग अप, नो हार्ट ब्रेक, और दिल भी नहीं टूटता। अल्लाह से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अल्लाह ने हमारे लिए एक बहुत ही बरकत वाली किताब भेजी है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि हम उस पर गौर करें। प्यारे बच्चों, गौर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अरबी के साथ उसे तर्जमे से भी पढ़ें, हमें पता चले कि हमारा रब कैसा है। कुरान मजीद असल में रब कायनात का तारुफ है, वो हमारे से क्या चाहता है, क्योंकि हमने पलट कर उसी की तरफ जाना है। तो आज से कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें। कोवेलेंट बॉन्ड्स इन विच टू एटम्स शेयर अ पेयर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड जिसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। टू आर मोर एटम्स हेल्ड टूगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और इससे मॉलिक्यूल बनता है, यानी अ कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इसीलिए उसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स, जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान शेयरिंग की वजह से बनता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आर नोन एज शेयर्ड पेयर्स आर बॉन्डिंग पेयर्स, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर्ड पेयर्स कहते हैं या बॉन्डिंग पेयर्स कहते हैं। दो एटम्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स दोनों के ऑर्बिट को पूरा करते हैं। जैसे दो बच्चियां हैं, सारा आई एम कोल्ड एमन, आई एम कोल्ड टू, दे हैव वन ब्लैंकेट, उनके पास एक ब्लैंकेट है। वी बोथ फील कोजी एंड कम्फर्टेबल आफ्टर शेयरिंग द ब्लैंकेट, उन्होंने दोनों ने इकट्ठे ब्लैंकेट ले लिया। इसी तरह दोनों एटम फ़ायदा उठाते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक तो हम उनको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि वो एक बॉन्ड बनाते हैं या एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं। तो डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड टाइप्स शेयर अ डिफरेंट नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन, जैसे वाटर में H2O सेंटर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसके दो साइडों पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और सिंगल बॉन्ड शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड शेयर फोर इलेक्ट्रॉन्स। और फिर नाइट्रोजन N2 का मॉलिक्यूल है, ट्रिपल बॉन्ड शेयर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। एक और है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आल्सो कॉल्ड अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम। अभी हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे जिसमें हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर पेयर बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम सिंगल एटम। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड ईच एटम सप्लाइज वन इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्ड। सादा कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन मुहैया करता है। एरो का निशान इशारा करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ, जहाँ से दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। मेनली पोली एटॉमिक केटाइन्स एंड एनाइन्स कंटेन बोथ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, अमोनिया इज एन एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है और अमोनियम आयन बनता है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एक डोनर एटम होता हैविंग अ लोन पेयर, और जो उसने इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर करना होता है उसको लोन पेयर कहते हैं। और एक एक्सेप्टर एटम होता है बीइंग शॉर्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, जिसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसको हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं।
और डोनर और एक्सेप्टर एटम के मिलने से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। इसके लिए दो शराइत होनी चाहिए, द एटम एक्टिंग एज अ डोनर शुड हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द एटम एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर शुड हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड में क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो इलेक्ट्रॉन बराबर शेयर नहीं करते, इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल के ऊपर दो पोल्स बन जाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स, अब जैसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड अनइक्वली, जिसकी वजह से एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एक पे नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ बॉन्ड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इट्सेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की एबिलिटी होती है इन अ बॉन्ड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इट्सेल्फ, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जैसे वाटर है तो इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो नॉन पोलर है और मीथेन जो है वो भी नॉन पोलर है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट पोलर मॉलिक्यूल की जो खसूसियात हैं प्रॉपर्टीज़ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड इक्वली, वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ मोर नेगेटिव देन द अनदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का एक हिस्सा ज़्यादा मनफी होता है। मॉलिक्यूल दस हैज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स लाइक बैटरी, इसी तरह मॉलिक्यूल के पोल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक बैटरी, और ये वाटर लविंग होते हैं। कोवेलेंट जो नॉन पोलर हैं दे डोंट शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली, इनके इलेक्ट्रॉन बराबर शेयर होते हैं और मॉलिक्यूल के मनफी या मस्बत पोल नहीं होते, और दे आर हाइड्रोफोबिक, ये पानी से दूर भागते हैं। ये कोवेलेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल की खसूसियात हैं। अब हम वैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड नो आयंस, जिस तरह आयनिंग कंपाउंड में होता है। ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट, जैसे एग्जांपल्स में है अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स, इसलिए कि कोवेलेंट बॉन्ड्स विद दीज मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग, बट द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक, दे कैन बी इजीली ब्रोकन सच एज बाय हीटिंग, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, मॉलिक्यूल्स की आपस की फोर्सेज स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय हीट। Melting point and boiling point in a covalent compounds are very low. For example, water जो है melting point 0 degree centigrade है और boiling point जो है वो 100 degree centigrade है। Normally gases and liquids are solids at room temperature. ज़्यादातर ये gases हैं या liquids हैं at room temperature, solids इसमें कम हैं। जैसे water है तो water आइस फॉर्म जो है उसकी सॉलिड है, स्टीम उसकी गैस है, और वैसे रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। दे आर, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस नहीं बनते, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्री,
नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है नॉर्मली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं लाइक ईथर, बेंजीन और अल्कोहल, उसमें ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं. द लार्जर द मॉलिक्यूल द ग्रेटर द चांस इट विल बी अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर लाइक शुगर. यानी रूम टेम्परेचर पे ज़्यादातर ये गैसेस और लिक्विड में होते हैं. तो उम्मीद है आज आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स के लेसन की समझ आई होगी.